दिक्कत है। पर भाई मैंने एक चीज देखी ना भाई, क्या जल्दी है यार। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो भाई टाइम हो रहा है अभी सुबह के 7:30, मैं उठ गया था 6:30। आज मेरी भाई जर्नी बड़ी लंबी है, आज मैं डलहौजी से जाऊंगा भाई मनाली के लिए। तो भाई अभी मैं पार्किंग में था, पार्किंग में भी क्या है, साइड में होटल में तो कोई पार्किंग नहीं थी, यहीं पे गाड़ी लगाई थी, यहीं पे सो गया था। अभी फ्रेश व्रेश होके रेडी होके बिल्कुल तैयार हूँ जाने के लिए। अभी चलते हैं, पहले लगेज बांधते हैं, उसके बाद भाई अपना सफर जारी करते हैं मनाली के लिए। मणिखेत से निकल के भाई पहला स्टॉप लिया लाडू में, जहाँ पे भाई आपके भाई ने फ्यूल डलवाया। और भाई त्रिपाल देख रहे हो किस तरह का बांधा है, ये वहाँ खराब करने वाला काम है। समझ नहीं आ रहा था क्या बांधू, तो ऐसे ही बांध दिया। काफी टाइम के बाद मैं डलहौजी से भाई सफ़र करके आया, मैं ट्रक लेके ही उस रोड में गया हूँ। लेकिन भाई मुझे आज पता ही नहीं चला कब कब मैं शाहपुर पहुँच गया, कब मैंने कांगड़ा क्रॉस किया। और रोड इतने मस्त, लेकिन भाई बीच बीच में टूटे हुई सड़कें थी, लेकिन ट्रैफिक वाली दिक्कत कुछ भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल हल्की हल्की ट्रैफिक, गाड़ियाँ सब चली रही थी और मज़ा आ रहा था भाई गाड़ी चलाने में। तो दोस्तों अभी दिन के 1 बज रहे हैं और मैं हूँ नियर बाय जोगिंदर नगर, कुछ ऐसी जगह लंच करने के लिए रुका हुआ हूँ। मैं भी कुछ खा लेता हूँ भाई अंदर चल के। अब गाड़ी देख रहे हो मेरे सामने भाई, त्रिपाल देखो मैंने किसी हिसाब का डाल रखा है। और शाम के तकरीबन 6 बजे भाई रात होने लग गई थी, मैं पहुंच चुका था अपनी सड़कों में, यानी कि भाई मंडी से आगे ऑट के आसपास। मज़ा आ रहा था भाई अपनी सड़कों को देख के, सुकून मिल रहा था। और जैसे ही मैं मनाली पहुंचा तो मुझे पता चला कि ग्रीन टैक्स के पास ही भाई ट्रैफिक लग गया है, मतलब कि पता लग चुका था कि मैं मनाली पहुंच गया हूँ, क्योंकि मनाली में ट्रैफिक गजब लगता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो भाई दिन हो गया अगला एंड भाई सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और मैं सोया था भाई, देखो चेक इट आउट, और आंगड़ी में बिल्कुल लेक साइड में। अभी उठा हूँ, अब फ्रेश होते हैं और फिर 9 बजे का टाइम दिया गेस्ट को, आज लोकल करवाएंगे रोहतांग जाने के लिए। थोड़ा इशू हो गया, देखते हैं अगर बन जाती बात तो कल जाएंगे रोहतांग। अभी फिलहाल चलते हैं, मुँह हाथ धो के आते हैं फिर निकलते हैं भाई साहब। सेपरेट साइड को गाड़ी लगाई थी, अब दूसरी साइड को गाड़ी लगाऊंगा, वहाँ पे कपड़ा वपड़ा मारूंगा, चाय पीऊंगा, उसके बाद होटल के लिए निकलूंगा भाई। भाई साहब अभी टाइम 10:15 हो रहे हैं और आपका भाई वशिष्ठ पहुंच गया है, चेक इट आउट भाई, बाहर मौसम ही गजब का हुआ है। गेस्ट भेजे हुए घूमने, इसके बाद मैं जाऊंगा हडिम्बा देवी टेंपल और इसके बाद क्लब हाउस हेड वगैरह वगैरह जो भी है तो फिलहाल तो वेट करते जब तक गेस्ट आते हैं। भाई साहब व्यू चेक करो एक बार, भाई साहब मैं हूँ अभी रांगड़ी में, सिर्फ वशिष्ठ किराया, बट हडिम्बा इन लोगों ने जाना नहीं, अब क्लब हाउस जाऊंगा। अभी मैंने इन लोगों को भेज रखा है यहाँ KFC और पिज़्ज़ा हट लंच वगैरह करने के लिए। अपन चलते हैं और अपनी गाड़ी में जाके बैठते हैं। भाई साहब आपका भाई पहुंच चुका है क्लब हाउस, लेकिन भाई बाहर नहीं निकल सकता, मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा रहूंगा। भाई साहब व्यू चेक करो आप, क्या कमाल का व्यू है भाई। भाई साहब रश देख रहे हो क्लब हाउस में, गेस्ट कहीं बाहर ढूंढने ही पड़ेंगे। दोस्तों मॉल रोड छोड़ के जा रहा हूँ वापस, नीचे पार्किंग में कहीं लगाता हूँ, यहाँ पे पार्किंग लगाने की बड़ी दिक्कत है। पर भाई मैंने एक चीज देखी ना भाई, क्या जल्दी है यार कसम से। भाई साहब मेरे को एक बात नहीं समझ आती, ये पुलिस में जब भर्ती होते हैं ना बंदे, इनको भर्ती होने के बाद पता नहीं क्या हवा लगती है, सबको नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ एक बंदे भाई, बंदा मेरे पास आया इतनी बदतमीजी से बात करके गया ना, अगर भाई वो वर्दी में ना होता ना तो मैं बताता उसको भाई, बात करने की सेंस नहीं भाई। ट्रैफिक लग रहा है, मैं लगा रहा हूँ ट्रैफिक यहाँ पे, दुनिया भर का लग रहा है, उसको हटाओ। दोस्तों रात के ना 9:30 हो रहे हैं, चेक करो, लेकिन भाई मनाली का नहीं जाम खत्म होता, सीजन में मनाली आना तो भाई दिमाग खराब करने के लायक है। भाई साहब गाड़ी लग चुकी है पार्किंग में और अभी भी रोड में देखो रश, देखो गाड़ियाँ गाड़ियाँ आ रही है भाई। अज्जू कर रहा है अपनी गाड़ी साहब, हम जाएंगे सुबह रोहतांग पास,
तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, खाना खुना खा लेते हैं और उसके बाद रेस्ट करते हैं। सुबह 5 बजे रोहतांग पास जाएंगे, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, जय श्री राम।